7 नेशनल गेम्स 2022 16 से 19 सितंबर इंदौर। ये नज़ारा है फिलहाल डीएवीवी यूनिवर्सिटी की शानदार ये बात कर वेन्यू और नज़र डालते हैं अब कबड्डी इवेंट पे। कबड्डी आप जानते हैं भारत का परंपरागत खेल है और कबड्डी के ये पार्टिसिपेंट्स जो अलग अलग एज ग्रुप में हिस्सा ले रहे हैं कबड्डी। और ये क्या शानदार वेन्यू, ये भारत का सबसे स्वच्छतम शहर इंदौर और वहाँ का ये ड्रोन कैमरा से ये तस्वीरें आप तक पहुँच रही है। कबड्डी का यह मुकाबला बोनस की कोशिश इस समय कबड्डी में बताना चाहूँगा गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, एमपी, इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र और तेलंगाना और तमिलनाडु ये टीमें शिरकत कर रही है। साथ ही साथ अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 और ओपन ऑल कैटेगरी में ये फिलहाल इस समय कबड्डी। बात करें डिफेंस इस वक्त देखें नज़र आता हुआ 6 का बोनस ऑन लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक कोशिश करते हुए, बहुत ही बढ़िया कोशिश है रेडर की, राइट रेडर है। कबड्डी में बात करें शुरुआत में भारतवर्ष में कबड्डी खेल में महाराष्ट्र का दबदबा रहा, लेकिन कबड्डी में बदलते वक्त के साथ हरियाणा ने फिलहाल इस समय बहुत अच्छी कोशिश, सामने से आकर के ब्लॉक किए, पहले एंगल पे गए, शानदार पूर्वानुमान। और फिलहाल ये देखिए अंडर 14, अंडर 17 युवाओं को भी अच्छा मौका दिया गया है। इस तरीके से 7th नेशनल गेम्स बात करें संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन की ये पहल है और आपको बताना चाहूँगा संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन, इसी बीच बहुत अच्छा टैकल देखने को मिलता हुआ। डिफेंस फिलहाल 5 का है, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में रेड की शुरुआत की है, रनिंग हैंड टच की कोशिश, बहुत ही कम उम्र के खिलाड़ी। बताना चाहूँगा संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन 2014 से लगातार तमाम खेलों को तराश रहे हैं, ये डिफेंस इसी बीच कमाल का सक्रिय हुआ और कई बड़े इवेंट्स पूरे भारत के अलग अलग हिस्से में कमाल का बैक होल्ड किया खूबसूरती से। और साथ ही साथ हम इस टूर्नामेंट जो इतने मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत थैंकफुल हैं, जिसमें एलएनसीटी ग्रुप, रेड बुल, क्रिसेंट ग्रुप, अवेदा ग्रुप, सोलरिस होटल। और देखिए फिलहाल डिफेंस आर का तमाम डिफेंडर्स को एक लाइन में खड़े की आसान हो जाता है पॉइंट लाना इस स्थिति में, बहुत बढ़िया। देखिए रीप्ले में शानदार रीच है इस खिलाड़ी की, बेहतर अंदाज में, एंगल नहीं था कहीं भी ब्लॉक के लिए और पॉइंट आसानी से मिलते हुए। फिलहाल कबड्डी का यह मुकाबला अलग अलग एज ग्रुप में, बताना चाहूँगा आपको कि इस हमारे इवेंट को ऑर्गेनाइज बाई संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन, इसी बीच शानदार डैश किया था खूबसूरती से और पावर्ड बाई एमपी ओलंपिक एसोसिएशन, सपोर्टेड बाई इंदौर नगर निगम एंड राउंड टेबल ऑफ इंडिया, इसी बीच टो टच की कोशिश, क्या शानदार प्रयास था इस बार टो टच का। साथ ही साथ होस्टेड बाई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन और लाजवाब इस समय टैकल देखने को मिला, इसे एंकल होल्ड कहते हैं कबड्डी में, रीच का इस्तेमाल करके निकलना चाहते थे लगातार इस बीकेएफ। आपको बताना चाहूँगा कि 2014 से कई इवेंट्स जो कि देश और विदेश में भी नेपाल में भी होस्ट कर चुके हैं और बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म अलग अलग एज ग्रुप के, और हर खेल में सबसे बड़ी बात उम्र 10 साल से लेकर के 80 साल तक के इंस्पायर्ड करने वाली बात है। स्पोर्ट्स का एक बेहतर सोच और शानदार नज़रिए के साथ एस पी के एफ के हमारे को फाउंडर, बात करें शिवा तिवारी मैम जनरल सेक्रेटरी और फाउंडर पंकज कोहले सर, उनकी एक सोच है। फिलहाल इसी बीच बहुत ही खूबसूरती से पॉइंट लेकर आए, 2 पॉइंट। कबड्डी का खेल रोमांचित, मिट्टी का खेल, क्या शानदार वेन्यू यहां से। 7th नेशनल गेम्स की आज ग्रैंड ओपनिंग में
देश की जानी मानी कई हस्तियां उपस्थित होने वाली है, जो अपने अपने क्षेत्र की जाने माने शख्सियत हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज शाम में उनकी उपस्थिति होगी। आइए नजर डालते हैं इन हस्तियों पर।